भारत और अमेरिका के बीच 12 साल बाद ऐतिहासिक मिलिट्री समझौता हुआ है। यह समझौता दोनों देशों को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर फौजी साजो सामान की मरम्मत, आपूर्ति और ईंधन भरने का रास्ता खोल देगा। इस समझौते का ऐलान अमेरिका के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री एश कार्टर की मुलाकात के बाद जारी एक साझा बयान में किया गया। दोनों ने बयान जारी कर कहा, यह समझौता व्यावहारिक संपर्क और आदान प्रदान के लिए अवसर प्रदान करेगा। यह व्यवस्था रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार सहयोग में नवीनीकरण और अत्याधुनिक अवसर प्रदान करेगा। अमेरिका ने भारत के साथ रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी को साझा करने को निकटतम साझेदारों के स्तर तक विस्तार देने पर सहमति जताई है। आपको बता दें कि सैद्धांतिक रूप से इस समझौते पर अप्रैल में ही सहमति हो गई थी, जब अमेरिकी रक्षा मंत्री एश कार्टर भारत दौरे पर आए थे। तो भारत और अमेरिका ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर अपने रिश्तों को नया आयाम दिया है, लेकिन चीनी मीडिया को दोनों देशों के बीच हुआ यह करार रास नहीं आ रहा। देखते रहिए टीवी लाइव।